सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको भी तीसरे ओडीआई मैच में मोहम्मद शमी व जडेजा की गेंदबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज के तीसरे व सबसे रोमांचक ओडीआई की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर अपना फैसला बदला है। पिछले दो मुकाबलों में भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पूरी तरीके से भारतीय टीम के हक में रहा। दोस्तों, मुकाबले के शुरुआती ओवर्स में ही न सिर्फ भारतीय टीम के गेंदबाजों को बड़े विकेट्स मिले बल्कि भारतीय टीम ने अपना दबदबा ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी बना दिया था। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस बात के क्यास जरूर लगाए जा रहे थे कि शायद ऋषभ पंत की टीम में वापसी हो, लेकिन उनकी जगह मनीष पांडे ही टीम का हिस्सा है। और साथ ही तीसरे ओडीआई मैच में आप सभी को केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुकाबले की शुरुआत की, जो कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से पूरी तरीके से भारतीय टीम के हक में रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में दो बड़े विकेट्स लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी ही थे। पारी का सबसे पहला विकेट मोहम्मद शमी ने दिलवाया अपनी गेंदबाजी से डेविड वार्नर जैसे खतरनाक बल्लेबाज का। आपको बता दें कि पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद को मोहम्मद शमी ने कितनी तेज तर्रार स्विंग डिलीवरी में तब्दील किया कि गेंद बड़ी ही तेजी से डेविड वार्नर के बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा चली गई केएल राहुल के हाथों में। दोस्तों, यह कैच काफी आसान था लेकिन एक बेहद ही दिग्गज खिलाड़ी का था। और दोस्तों, केएल राहुल ने आसान से कैच को पकड़ने में कोई भी गलती ना करते हुए आसानी से इस कैच को पकड़ लिया और डेविड वार्नर को चलता कर दिया। और दोस्तों, केवल डेविड वार्नर का ही नहीं, आपको बता दें कि आगे चलकर मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से एरन फिंच का विकेट भी भारतीय टीम को दिला दिया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आज केवल मैदान में मोहम्मद शमी ही नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा की भी खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से एक ही ओवर में लगातार दो विकेट निकालकर भारतीय टीम को दिला दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जडेजा ने जिस खिलाड़ी का विकेट भारतीय टीम को दिलाया वह क्रीज पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। यह पूरा वाक्य पारी के 32वें ओवर का। गेंदबाज करा रहे थे रविंद्र जडेजा और इस ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज लबुक शाने। जडेजा ने बड़ी ही चलाकी से इस ओवर की तीसरी गेंद को एक स्लोवर डिलीवरी में तब्दील करा, जिस पर एक ड्राइव शॉट खेलने के लिए लबुक शाने ने अपना बल्ला तो घुमाया लेकिन ऑफ साइड की तरफ तैनात खड़े फील्डर खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली थे, जिन्होंने एक डाइव लगाकर दोनों हाथ से इस कैच को बड़ी ही शानदार तरीके से पकड़ लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मैदान में अब तक लबुक शाने 64 गेंदों का सामना करके 54 रन चढ़ चुके थे, परंतु अभी तो इस ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा एक और विकेट लेने वाले थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी तक उनका स्कोर 0 ही था। इस ओवर की अंतिम गेंद पर स्टार्क ने एक बड़ा शॉट तो लगाना चाहा लेकिन गेंद हवा में ही रह गई और डीप मिड विकेट की तरफ चली गई, जहां पर तैनात खड़े फील्डर युजवेंद्र चहल ने बड़ी आसानी से स्टार्क के कैच को पकड़ लिया और मिचेल स्टार्क को केवल 0 के स्कोर पर ही पवेलियन की तरफ चलता कर दिया था। परंतु दोस्तों, रविंद्र जडेजा के यह विकेट लेने के बावजूद मैदान में तैनात स्टीवन स्मिथ ने अपना शतक पूरा किया। इस बात में कोई शक नहीं कि अंतिम पलों में भी वह बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे लेकिन उनके कोशिश को नाकाम किया एक बार फिर से मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी ने। आपको बता दें कि पारी के 48वें ओवर की पहली गेंद पर जब स्टीवन स्मिथ ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा तो डीप मिड विकेट पर तैनात खड़े फील्डर श्रेयस अय्यर ने उनका कैच पकड़ लिया और आखिरकार उनकी 132 गेंदों में यह 131 रनों की तूफानी पारी को समाप्त कर ही दिया था। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आज मैदान में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 300 से पहले ही रोक कर रख दिया। आपको बता दें कि 50वें ओवर तक 8 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 291 रन पूरे कर चुकी थी, क्योंकि कोई एक छोटा टोटल तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपना पूरा प्रयास किया और मोहम्मद शमी ने 4 तो वहीं जडेजा ने 2 विकेट अपनी टीम के लिए निकाले। और दोस्तों, आप मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की इसी शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस बार तो मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर का विकेट महज 3 रनों पर ही भारतीय टीम को दिला दिया, लेकिन अभी तो एक और विकेट बाकी था, परंतु इस विकेट को दिलवाने में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान खुद एरन फिंच ने काफी ज्यादा मदद करी। दोस्तों, यह वाकया पारी के 9वें ओवर का। गेंदबाजी फिर से करा रहे थे मोहम्मद शमी और स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ। उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद को डिफेंस कर दिया। गेंद थोड़ी दूर तक चली गई थी इसलिए एरन फिंच ने सोचा कि एक रन लिया जा सकता है। उधर दूसरी तरफ रन का कॉल करने वाले स्टीवन स्मिथ भी आधी पिच तक आ चुके थे लेकिन फिर वह अचानक स्ट्राइकर एंड की तरफ भागने लगे। स्टीव स्मिथ को उल्टा भागता हुआ देख एरन फिंच भी वापस भागना चाहते थे लेकिन तब तक वह भी स्ट्राइकर एंड
तक पहुंच चुके थे। और इससे पहले कि एरन फिंच नॉन स्ट्राइकर एंड तक पहुंचते, रविंद्र जडेजा ने एक शानदार थ्रो दिया मोहम्मद शमी के हाथों में और शमी ने बड़ी आसानी से फिंच को रन आउट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एरन फिंच 26 गेंदों का सामना करके 19 रन लगा चुके थे और क्रीज पर लगभग सेट होने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के आगे आज फिंच की भी नहीं चली और उनका विकेट भी भारतीय टीम को इतने कम रनों पर मिल गया। दोस्तों इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि डेविड वार्नर और एरन फिंच, इन दोनों खिलाड़ियों ने सीरीज के पहले मुकाबले में शतकीय पारियां खेली थी और इन दोनों ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 विकेट के बड़े अंतर से जिताया था, लेकिन आज मोहम्मद शमी ने इन दोनों के विकेट शुरुआती ओवर्स में ही भारतीय टीम को दिला दिए। केवल यही मुकाबला नहीं, पिछले मुकाबले में भी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी वाकई में काफी ज्यादा उम्दा रही थी, परंतु तीसरे ओडीआई मैच में मोहम्मद शमी की इतनी तेज तर्रार गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 36 रनों के अंतर से हराकर भारतीय टीम ने सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आपको बता दें कि सीरीज में अब तक कुल 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सीरीज के पहले मुकाबले को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 10 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम किया, तो वही दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 36 रनों के छोटे अंतर से जीता, जिसके बाद अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 19 तारीख को बेंगलोर के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। सो एक और अच्छी बात तो यह है कि एम चिदम्बरम स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड विदेशी टीमों के खिलाफ खास तौर पर बेहद ही बेहतरीन रहा है। ऐसे में भारतीय टीम का न सिर्फ पलड़ा भारी है बल्कि पिछले मुकाबले में जीत के साथ सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी अब हाई हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि तीसरे ओडीआई मैच में रोहित शर्मा एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं क्योंकि इस दुनिया में बेहद ही कम बल्लेबाज अपने नाम कर पाए हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि रोहित शर्मा ने दूसरे ओडीआई मैच में 42 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। हालांकि रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और उसे वह बड़ी पारी में तब्दील करने के लिए पूरी तरीके से नाकाम रहे। लेकिन अब तीसरे ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा एक बेहद ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि रोहित शर्मा को इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए महज 4 रनों की दरकार है। पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि रोहित शर्मा ने आज तक कुल 223 मैचों में 216 पारियां खेली हैं, जिनमें से रोहित शर्मा ने 28 बार शतक लगाए हैं तो वही 43 बार अर्धशतक भी जड़ दिए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इन 216 पारियों के अंदर रोहित शर्मा ने अपने नाम 8996 रन पूरे कर लिए हैं। अगर इस तीसरे ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा महज 4 रन और अपनी पारी में लगा देते हैं तो रोहित शर्मा के नाम 9000 रन हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और रोहित शर्मा इस सूची में भी फिर तीसरे पायदान पर आ जाएंगे और उनसे ऊपर होंगे महज 2 दिग्गज एबी डिविलियर्स व कप्तान विराट कोहली। दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 9000 रन को छूने का आंकड़ा महज 104 पारियों में ही पूरा कर लिया था, तो वही दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स को इस महा रिकॉर्ड तक पहुंचने में 205 इनिंग्स लगी थी। अगर रोहित शर्मा महज 4 रन और लगा लेते हैं तो 217 पारियों में वह भी 9000 रन लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। के अलावा दोस्तों इस सूची में और भी महान भारतीय बल्लेबाजों का नाम शुमार है, जैसे कि सौरभ गांगुली व सचिन तेंदुलकर। और अब आखिरकार बारी आ चुकी है रोहित शर्मा की सूची में अपना नाम जोड़ने की। हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा के लिए 4 रन लगाना तो मामूली सी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगर मैदान पर सेट हो गए तो शतक या दोहरा शतक भी आराम से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, तीसरे वनडे मैच में क्या रोहित शर्मा अर्धशतक या फिर शतक लगा पाएंगे और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यार दोस्तों अब नजर डालते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम की। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के तो क्या ही कहने, सारे विश्व पर फतेह पाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी के डिपार्टमेंट के खिलाड़ी भी इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ना पूरी तरीके से नामुमकिन सा है। अगर ऐसा कोई टीम कर सकती है तो वह भारतीय टीम है। और दोस्तों इसका एक नमूना हमने दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी देखा था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए 341 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम को। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल तो यह उठता है कि क्या तीसरे ओडीआई को जीतने के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव होंगे या फिर नहीं। दोस्तों वैसे तो इस समय भारतीय टीम में जो खिलाड़ी मौजूद हैं वह भारतीय टीम की सबसे मजबूत व परफेक्ट प्लेइंग 11 है। लेकिन अगर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई टीम को खदेड़ने के विजन से मैदान पर उतरेंगे तो टीम में 2 बदलाव होने तो पूरी तरीके संभव है। दोस्तों सबसे पहला व महत्वपूर्ण बदलाव तो रहेगा ऋषभ पंत को लेकर। हम सभी जानते हैं कि दूसरे ओडीआई मैच में ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ओडीआई में उनके सर में गेंद लगी थी जिसके कारण उन्हें कनकशन महसूस हुआ और दूसरे ओडीआई में उन्हें आराम दिया गया। उनकी जगह टीम में शामिल किया गया मनीष पांडे को, जो कि उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। साथ ही केएल राहुल से बेहतरीन विकेट कीपिंग करना तो ऋषभ पंत जानते ही हैं। ऐसे में ऋषभ पंत की जरूरत भारतीय टीम को हर हाल में पड़ सकती है। अब दोस्तों दूसरा और एक और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है श्रेयस अय्यर को लेकर। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर वैसे तो एक उम्दा बल्लेबाज है, लेकिन इस सीरीज में उन्हें 2 मौके दिए गए हैं और दोनों मौकों में वह उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उनकी जगह टीम में शामिल किया जा सकता है
ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को। दोस्तों शिवम दुबे ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में अपने आप को साबित कर दिया है। साल 2019 में शिवम दुबे को जितने भी मौके दिए गए हर एक मौके पर वह खड़े उतरे हैं। ऐसे में अगर कप्तान विराट कोहली अगर कल के मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो शायद शिवम दुबे आप सभी को श्रेयस अय्यर की जगह लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा और शिखर धवन भी चोटिल हैं, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वह पूरी तरीके से अब स्वस्थ हो चुके हैं और तीसरे